ठीक है. सो दिस चैप्टर प्लान क्विज, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. ये तुम्हारा वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन दिस. द फर्स्ट वन इज ट्रीज आर लीफलेस फॉर अ शॉर्टर और लॉन्गर सीजन ऑफ द ईयर. लीफलेस क्या है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए. रेज योर हैंड टू आंसर. फॉर दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन यूज द रेज योर हैंड फीचर ऑफ टीम्स ऐप टू रेज योर हैंड. मे आई कैन आई नहीं बोलना भाई बहुत क्योर्स होता है उससे. यस इट्स 29 पेज नंबर 29 चैप्टर 16. ओके सर. लीफलेस का क्या मतलब हो गया. रेज योर हैंड. यस विदाउट एनी लीफ. क्या ऐसा नोटिस करते हैं आप साल में कि पेड़ों के सारे पत्ते ही गिर जाए. वॉट आर दो सीजन्स. रेज योर हैंड फॉर. यस दिस और सब ठीक है सही है. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू ट्रीज आर लीफलेस फॉर अ शॉर्टर और लॉन्गर सीजन ऑफ द ईयर. इन विंटर्स में भी क्या पत्ते गिर जाते हैं क्या. इन प्लेसेज इन हिल स्टेशन अक्सर ऐसा दिखता है ना कि बस एक ब्राउन सा पेड़ हो. स्प्रिंग में पत्ते आ गए ठीक है. एक वो भी हो गया. एक ऑटम तो हो ही गया. एंड वॉट अबाउट डेजर्ट. लेकिन द क्वेश्चन इज कि शॉर्टर या लॉन्गर सीजन. चार ऑप्शन क्या है. एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, स्क्रब जंगल फॉरेस्ट एंड डेसीड्यूस. ये डेसीड्यूस है क्या. यस सर हिंदी में सर पतझड़. पतझड़ तो ऑटम होगा. जैसे हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एसएसटी में पढ़ा था ज्योग्राफी में तो था ना कॉनिफेरस फॉरेस्ट, डेसीड्यूस फॉरेस्ट. एवरग्रीन का एग्जाम्पल तो हो गया जैसे दो फॉरेस्ट फाउंड इन अफ्रीका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन होते ठीक है. तो ये डेसीड्यूस क्या. एनी वन फ्रॉम दी ऑनलाइन हु कैन टेल मी वॉट इज डेसीड्यूस. यस गर्ल. ठीक है सही है. और ये स्क्रब जंगल क्या. दिस टर्म स्क्रब जंगल फॉरेस्ट. ये एक्चुअल कोई फॉरेस्ट है कि बस ऐसे ही वो फॉरेस्ट में निकल दे रहा. पता है नहीं पता. ठीक है मेक अ स्मॉल मार्क ओवर देयर या कहीं नोट कर लो. इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लें. पेज नंबर इट्स पेज नंबर 29. ठीक है थर्ड वन स्टिल्ट रूट्स आर फाउंड इन. स्टिल्ट रूट्स क्या होते हैं. बायोलॉजी में अभी तक पढ़ा ही था. स्टिल्ट रूट्स नहीं पता. बैनियन मैंगो मेज चाइना रोज. तो देखो अगर वैसे ऑप्शंस में सपोज यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क यू तो इसमें अगर देखें तो सबसे पिक्यूलियर सबसे ऑड ऑप्शन कौन सा है जिसकी रूट्स अलग सी होती है. बैनियन ट्री. इसकी रूट्स हैंग करती है बात. क्या स्टिल्ट वैसा कुछ हो सकता है. क्योंकि मैंगो ट्री की नॉर्मल रूट्स होगी. मेज अगेन भुट्टा ठीक है. एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन चाइना रोज. इट्स चाइन रोज ओवर हियर. आई डोंट नो वेदर इट्स अ मिसप्रिंट की चाइन रोज भी हो सकता हो कुछ होता हो. बट चाइना रोज क्या हो गया तुम्हारा. नॉर्मल हिबिस्कस गुड़हल का जो फूल होता है सम वॉट सिमिलर टू दैट. लेटेस्ट लुक अबाउट नहीं चलता है ठीक है. देखते हैं सर्च क्या है.
कंसिस्टेंट रूट्स आर एडवेंटिशियस रूट्स. एडवेंटिशियस वर्ड अब सुना होगा. टाइप्स ऑफ रूट्स अगर कभी बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो उसमें ये टर्म जरूर आया होगा. एडवेंटिशियस रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम लोअर स्टेम नोड्स एंड जॉइन एंड बिकम डीपर इन द सॉइल. तो बैनियन की बात तो शायद ना हो रही है, उसकी बात शायद ना हो रही है. अब उसके अलावा कुछ न्यूमैटोफोर्स, ये लो जिसको सोचा था सोचा ही नहीं था वो ऑप्शन निकला. लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम से रूट हवा में निकल के अल्टीमेटली कहां चला जाए, जमीन में. ठीक है, सो दीज आर स्टिल रूट्स एज पर गूगल. और इसमें एक ऐसा नाम दिख रहा है जो हमारे पास ऑप्शंस में है, दैट इज मेज. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेज. आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन इज मेज. नाउ द सेकेंड वन, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटमोस्फियर, ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल. कायदे से तो चारों ही नहीं होंगे. ठीक है, कम्स फ्रॉम कहां से आता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट्स मेक देयर फूड. कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है, और वाटर का यूज करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होता है ना. क्लास सेवेंथ में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें ये इक्वेशन थी, याद है. तो उसमें क्या था, CO2 प्लस H2O और जो एरो होता था रिएक्शन का, उसमें सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल, यही लिखा रहता है. तो किससे मिल रहा है, वाटर से कि कार्बन डाइऑक्साइड से. अगेन अ टफ क्वेश्चन, दो ऑप्शन है, थोड़ा डिस्प्यूटेड है. ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक्चुअल में वहां पे खाली प्रेजेंट रहता है कि उसका कोई रोल भी है, बस रोल होता है वो रिएक्शन में तो शायद पार लेता नहीं. उसके प्रेजेंस में चीजें होती है, इट्स द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीव्स, ये पढ़ रहा है. ठीक है, चलो लोग फॉर द आंसर सेकेंड क्वेश्चन मार्क कर लो. फोर्थ वन, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैलबर्गिया स्पीशीज. डैलबर्गिया क्या है, रेज योर हैंड टू आंसर अगर किसी को पता. दोस प्रेजेंट ऑनलाइन, एवर हर्ड दिस नेम डैलबर्गिया. वॉलनट, सैंडलवुड, वॉलनट हो गया, अखरोट, सैंडलवुड इज चंदन, टीक इज सागवन एंड रोजवुड. ठीक है, ये टर्म भी सर्च करना पड़ेगा, अगेन एन ऑलमोस्ट फॉरेन टर्म, शायद मैंने भी ये पहली बार सुना है. किसी ने सर्च करा, दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज प्रेजेंट इन ओलिगो हेलाइन जोन and the dominant plant species are Pandanus sweetidus. African blackwood, chloroplast, rosewood. मिल गया एक ऑप्शन है, market. Is a tree shade? हाँ ठीक. Now the those all नहीं दिख रहा है ना. Dalbergia is the genus that yields all true rosewoods. एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि बायोलॉजी इज समथिंग दैट आई डोंट एक्चुअली नो.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पिचर प्लांट बिकम्स मॉडिफाइड इनटू अ पिचर। ये तो आसान है, लीफ फ्लावर फ्रूट फ्लावर बड। श्योर है? यस सर। ठीक है। सिक्स्थ वन, द एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड मोर और लेस एक्यूरेटली बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ हाइट टू द विड्थ, काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स इन द ट्रंक, मेजरिंग द हाइट, मेजरिंग द डायमीटर। तो अगर हाइट की बात करें तो देखो कुछ ऐसे पेड़ हैं, सम स्पीशीज दैट ग्रो वेरी फास्ट, ठीक है। और पहला ऑप्शन देखिए, रेशियो ऑफ हाइट टू द विड्थ ऑफ द ट्री, हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट अगेन सर आंसर ठीक है, ये तो आंसर है। बट अगर सारे ऑप्शंस को देख ले, मेजरिंग द डायमीटर, तो जो हाइट हो गई किसी की और किसी की ट्रंक का डायमीटर भी बढ़ गया। लाइक आई हैव दिस बैनियन ट्री इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, एक पार्क है, और कुछ पांच साल या छह एट मैक्स फाइव ईयर्स किसी ने प्लांट करा था इन द फॉर्म ऑफ अ सैपलिंग, और इस समय उसने पूरा अच्छा खासा एरिया घेरा। उसी के बगल में जो वो स्ट्रीट लाइट नहीं होता जिसमें मल्टीपल हैलोजन लैंप्स होते हैं, जिसको हाई मास्क कहते हैं, उसने पूरी उसकी रोशनी छेक रखी। अभी वहां पे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होती है, सम पार्ट ऑफ द ट्री हैज बीन कट। लेकिन अगर ये तीनों ऑप्शन हम उसमें लगाएं तो कोई कह नहीं सकता कि वो पेड़ बस छह साल का। लुकिंग एट इट 80% वुड से कि ये कम से कम 20-25 साल का है, वो इतनी तेज ग्रो हो गया, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो सबसे सुटेबल समझ में आ रहा है, वो द स्टूडेंट्स आर टेलिंग, काउंटिंग द नंबर ऑफ रेन्स इन द कर्व, ठीक है। एंड द सेवेंथ वन, व्हाट टाइप ऑफ रूट्स आर हैंगिंग स्ट्रक्चर्स इन बैनियन ट्री, प्रॉप रूट। क्या होगा इसका आंसर? Now those who are like, can you see it? The root hanging from the branch of banyan tree are prop root. So iska option kya answer kya ho jayega? The B option, prop roots. ठीक है। What about the eighth one? Fruits of this plant are found underground. Groundnut. What about potato? The potato is a root. Carrot. मिलते तो सभी जमीन के अंदर। अनियन, अनियन फ्रूट है, स्टेम है क्या? देखो द इंटरेस्टिंग पार्ट इन दिस क्वेश्चन इज की जो इसने दे रखा है वो पेड़ का कौन सा पार्ट है, कैरेट तो रूट हो, पटेटो इज स्टेम, ये फल तो होता नहीं, इट्स नॉट द फ्रूट। अनियन ऑल्सो इज नॉट द फ्रूट, ग्राउंड नट ही सबसे सुटेबल ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, लेट अस अगेन कंफर्म इट। ओके, स्वीट पोटैटो, रेडिश नहीं होगा, कैरेट भी नहीं होगा, ये रूट है बेटा, फल नहीं है, येलो पोटैटो, मतलब किसी
ये क्या लग रहा है? ग्राउंडनट है। तो ये रूट है, स्टेम है कि फ्रूट है? रूट है, तब तो आंसर नहीं होगा। इट्स एक्चुअली द फ्रूट। ठीक है, तो ये हो गया था एट क्वेश्चंस कन्फर्मिंग। अब देखो जैसे ये एक फिगर गलती से आ गया, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? दिस इज द रूट। ठीक है, ये भी क्या मोर ऑर लेस रूट लग रहा है अगेन। बस फ्रूट्स के लिए आपको कहीं और दिख नहीं रहा, एक ही ऑप्शन इसका बचता ही। री रू वो ग्राउंडनट ही लगाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, श्योर? यस सर। अब अगला अगर देखेंगे तो 17 और 18 में फैक्ट्स दिए हुए, नो क्वेश्चंस। मैनग्रूव तो एवरग्रीन नहीं है। मैनग्रूव समझे, मैनग्रूव फॉरेस्ट कौन से होते हैं जो सुंदरबन से पाए जाते हैं? वेयर रिवर गंगा फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। तो वो पूरा तो वो वाला एरिया है, कीचड़ का दलदल जिसे कहते हैं। व्हाट इज द वर्ड फॉर स्वैम्प? SWAMP, स्वैम्प, स्वैम्पी बहुत है। तो ये भी नहीं होता। एवरग्रीन खत्म हो गया, मैनग्रूव खत्म हो गया, स्क्रब जंगल, लेट अस लुक फॉर इट। यहाँ जो एनिमल्स है ना, वाइल्ड हेयर मंगूज, लार्ज नंबर ऑफ बटरफ्लाइज, तो मतलब ये भी वो नहीं होगा। ब्लू डार्ट वेजिटेशन, तो एक इसका ऑप्शन डेसीड्यूस ही बचे। ठीक है, क्योंकि कहीं पे अगर ये सारे एनिमल सपोर्ट हो रहे हैं तो इसमें कुछ हर्बी बोर्ड्स भी है। हर्बी बोर्ड्स वहीं पे सर्वाइव करता है कि जहां उन्हें खाने के लिए साल भर कुछ ना कुछ पत्ते मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ विच वन? भाई इतना टाइम नहीं बचा। अरे पानी तो ऑलमोस्ट 3 दिन से गिरी था। ठीक है, लुक एट दिस 19 चैप्टर। हाँ, व्हाट वर यू आस्किंग? हाँ, डी ऑप्शन डेसीड्यूस। ठीक है, हंटर्स इन द स्काई है ऑन पेज नंबर 32। ठीक है, सबसे पहले इमेज दे रखी है एंड दे हैव रिटन समथिंग अबाउट इट। दिस इज द फर्स्ट इमेज, द यूरेशियन बर्ड। यूरेशियन बर्ड का क्या मतलब हुआ? यूरोप एंड एशिया कंबाइंड आर कॉल्ड यूरेशिया। ठीक है, ये याद रखना मुझे। तो यूरेशियन बर्ड्स आर बोल्ड हेडेड वल्चर्स। बोल्ड मतलब कि सर पे बाल नहीं होता। वल्चर्स विद अ ब्लूइश ग्रे नेक, दे फीड ऑन डिकेइंग फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। तो याद करो बचपन में हम लोग जब एनिमल स्पीशीज में पढ़ते थे स्कैवेंजर्स, तो उसमें क्रो का नाम आता है, ईगल का नाम आता है, वल्चर का आता है। They feed on dead and decaying animals. ठीक है, तो इसका नाम हमें बताना। The lammergeier, bearded vulture, Eurasian black vulture, exactly. The E option, ना? हाँ ठीक है। जैसे 7th वाला तो अमेरिकन ईगल है,
ईगल जैसा ही लग रहा है। सेकेंड वन देखो, दीज प्रेडेटरी बर्ड्स हैविंग द लार्जेस्ट विंग स्पैन ऑफ 3 मीटर आर स्कैवेंजर्स दैट फीड ऑन कारकासेस ऑफ लार्ज एनिमल्स। कारकासेस क्या? सर्च करने लायक चीज है, विल हेल्प यू इम्प्रूव योर इंग्लिश वोकैबुलरी। डेड बॉडी एग्जैक्टली, बट क्या सिर्फ डेड बॉडी? देख रहा, डेड बॉडी ह्यूमन स्पिरिट को कहते हैं, जब एनिमल्स के जब से कहते हैं तो उसे कारकास कहते हैं, ठीक है। ये दीज एंडेंजर्ड बर्ड्स ऑल्सो रेक द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स फॉर एग्स एंड यंग हैचलिंग। इसका क्या हो जाएगा देखने में, ये भी क्या लग रहा है, वल्चर लग रहा है? नहीं, वल्चर की बीक अलग से होती है, कैरेक्टरिस्टिक वो देख के आपको समझ आ जाएगा। क्या, चलो वी विल डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी पैक्ड योर बैग्स।